response of AC circuits in purely resistive circuit, in purely inductive circuit, in purely capacitive circuit. तो आज हम देखेंगे कि AC circuit में अगर purely resistive circuit है तो उसका response या behavior कैसा रहेगा, अगर inductive circuit है तो उसका response कैसा रहेगा, और capacitive circuit है तो उसका response किस प्रकार से रहेगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। सिंस वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स कोइंसाइड, देयर रिस्पांस एंड देयर फेजर्स आर कोइंसाइड। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट जो रहता है दे आर इन फेज होता है ना, इसलिए दे आर इन फेज, सेम फेज में होने की वजह से उनका जो वेव फॉर्म है वो भी कोइंसाइड होता है, their phases are also coincide। तो जैसे ये purely resistive circuit है, ऐसी supply दिया गया है ना to ये purely resistive circuit, तो ये purely resistive circuit को ऐसी supply दिया तो इन दोनों का waveform जो रहेगा voltage और current का वो coincide करेगा। coincide means at the same time एक ही point से वो start होगा, एक ही time पे maximum होगा, एक ही point पे वो फिर से minimum होगा ना, तो इस प्रकार से coincide होगा। और इनका जो फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है, दे आर ऑल्सो कोइंसाइड, ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम और ये तुम्हारा करंट का फेजर डायग्राम, ठीक। तो इस प्रकार से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम दे आर कोइंसाइड टू इच अदर। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आई आर मीन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस, करंट अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वी आर का फॉर्मूला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होने की वजह से उसका जो फॉर्मूला है एसी वेवफॉर्म का, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर, वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी एंड वी एम बाय आर मीन्स आई एम। तो आई आर इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी ना, इस प्रकार से। तो आई एम इज इक्वल टू Vm by R और Vm is equal to Im into R। Purely inductive AC circuit, in purely inductive AC circuit the current IL lag the applied voltage VL by 90 degree, that is pi by 2 radian। तो ये 90 degree से क्या करता है, current जो है वो lag करता है, inductive circuit में current जो है lag करता है। तो इक्वेशन जो है VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90। इस केस में ना करंट को रेफरेंस पकड़ा गया है, करंट जीरो से अगर शुरू होता है या करंट का वेवफॉर्म, तो वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या होगा, प्लस 90 होगा। ये करंट का वेवफॉर्म और ये जो है तुम्हारा वोल्टेज का वेवफॉर्म, दैट्स व्हाई VL इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90, यानी वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है और करंट जो है लैग कर रहा है। तो ये इसका सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये इंडक्टर का सिंबल है और इसमें देख सकते हैं ये जो है करंट का वेवफॉर्म और ये तुम्हारा वोल्टेज का वेवफॉर्म। करंट अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, प्लस 90 डिग्री होगा। तो करंट लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो अगर हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस पकड़े तो करंट कहाँ पर जाएगा, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये होगा हमारा करंट और ये होगा हमारा वोल्टेज। अगर वोल्टेज को, करंट को अगर हम लोग रेफरेंस पकड़े तो क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा है ना, दोनों ही केस सेम ही है, वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा है या बोल सकते हैं कि करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो ये इसका फेजर डायग्राम, ये तुम्हारा करंट और ये तुम्हारा वोल्टेज।
In a purely inductive circuit, the opposition to the flow of alternating current is called inductive reactance. तो इंडक्टिव सर्किट में जो ऑपोजिशन होता है ड्यू टू इंडक्टर, तो उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका जो फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, वेयर F इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, L इज द इंडक्टेंस इन हेनरी एंड XL इज प्रोपोर्शनल टू F। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब थर्ड जो रिस्पॉन्स है प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में क्या रिस्पॉन्स होता है उसको देखना है। इन ए प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट आईसी लीड द अप्लाई वोल्टेज वीसी बाय 90 डिग्री। तो करंट क्या करता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो अल्टरनेटली वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। तो उसका इसमें बोल सकते हैं आईसी इक्वल टू आईएम साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो ये क्या शो कर रहा है कि करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रहा है। ये सर्किट है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एसी सोर्स लगा के है कैपेसिटर के साथ, और ये इसका वेवफॉर्म में रेफरेंस इसमें वोल्टेज को लिया गया है। तो करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है, ये हमारा वोल्टेज अगर रेफरेंस है तो करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अगर हम लोग करंट को रेफरेंस पकड़े तो करंट क्या कर रहा है 90 डिग्री से इसमें लीड रहा है। तो वोल्टेज कहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा, ये होगा हमारा वोल्टेज और वो है हमारा करंट। तो करंट जो है 90 डिग्री से लीड कर रहा है इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस प्रकार से कैपेसिटिव सर्किट में जो ऑपोजिशन होता है करंट का उसी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc है ना, और यूनिट जो है ओम। वैस सी इज द कैपेसिटेंस इन फैराड, एफ इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे ये इक्वेशन में दिख रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से तीनों का रिस्पॉन्स देखें तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दे आर इन फेज, दे आर कोइंसाइड टू ईच अदर। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो लैग करता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है वो लीड करता है ना? इस प्रकार से लैग और लीड, और लैग और लीड के बारे में डिटेल में समझने के लिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ। धन्यवाद।